बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों मैंने इसके पहले आपको कृषि विभाग के आपको अभ्यास करवाया, अब मैं इसका अभ्यास की डिक्टेशन बोलना चाहती हूँ, तो आप लोग एक बार डिक्टेशन लिखें हमारे साथ। महोदय अच्छे जमींदार या ताल्लुकदार किसानों को अपनी रियाया समझते हैं और उनके साथ सद्व्यवहार के साथ पेश आते हैं। बहुत स्थानों पर मालगुजारी वसूल करने और सरकार के यहाँ भेजने के लिए मालगुजार ठेकेदार या लंबरदार होते हैं। आप पासी के लिए कुएं तालाब या नहर बनाई जाती है जिससे बुआई जोताई होने पर फसल की पैदावार अच्छी हो। फसल के अच्छे ना होने पर अथवा सूखा या पाला पड़ने पर पटवारी या तहसीलदार इसकी रिपोर्ट सरकार से करते हैं, वहाँ से इन्हें अगली फसल जोतने बोने के लिए तकावी मिलती है। काश्तकारों को जब कर्ज की आवश्यकता पड़ती है तो सहकारी समितियों या महाजनों से लेकर अपना काम चलाते हैं। यदि एक ही गांव में छोटे छोटे कई जमींदार हुए या एक ही जोत में कई छोटे छोटे किसान हुए तो उन्हें हिस्सेदार या पट्टीदार कहते हैं। जमींदार अपने लगान की वसूलिया भी कारिंदा के द्वारा करते हैं। वह इन वसूलिया भी का पूरा हिसाब जिन बही खातों में रखता है उसे जमाबंदी या खतौनी कहते हैं। पट्टा कबूलियत में जमींदारी और किसानों के बीच की गई उन शर्तों की लिखा पड़ी रहती है जिन पर काश्तकारों को जमीन दी जाती है। लगान ना अदा करने पर जमींदार आगरा के प्रांत में आगरा एक्ट की धाराओं के अनुसार और अवध रेंट एक्ट के अनुसार किसानों पर मुकदमे चलाकर उन्हें बेदखल कर देते हैं। इसलिए लगान को बकाया कभी ना रखना चाहिए बल्कि उसे फौरन अदा कर देना चाहिए। जमीनों की किस्मों के अनुसार अलग अलग लगान हैं और इन्हीं लगानों के अनुसार किसानों को खुद कास्त सिकमी या मौरूसी किसान कहते हैं। सरकार ने इनकी मदद के लिए एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ बिल एक्ट इनकम बर्ड स्टेट एक्ट अभी पास किए हैं। जमींदार किसान पटवारी तहसीलदार
मालगुजारी, मालगुजार, ठेकेदार, लंबरदार, नहर, आपवासी, तालुकेदार, काश्तकार, जोताई, पैदावार, महाजन, इंजीनियर, पशु चिकित्सा, हिस्सेदार, पट्टीदार, बेदखल, बकाया, वसूलियाबी, जमाबंदी, सहकारी खाता समिति और सहकारी शाखा समिति आदि होते हैं। मैंने आपको टब्बर्ड्स भी बोल दिए हैं, इन्हें आप दोबारा रिवाइज कर लें। और आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।